हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में। आपका जो एम्स का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, अभी आपके एडमिट कार्ड भी आप लोगों ने जो है डाउनलोड कर लिए होंगे, ठीक है। तो कुछ एमसीक्यूज़ जो है रिवाइज़ कर लेते हैं। ये एमसीक्यूज़ मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रोवाइड कराए हुए हैं, अभी इस वीडियो में क्या करेंगे, सिर्फ उन कुछ क्वेश्चंस का, इसमें जो है 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, इनका हम इसमें रिविज़न करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो ये आपके जो एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो एमपी में भी आपका जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, है ना, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिपोई फार्मासिस्ट है, उड़ीसा में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके, देखिए क्वेश्चन है, शेड्यूल रिलेटिंग टू लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल कौन सा होता है, ये आपसे पूछा हुआ है। ओके, तो लाइफ पीरियड के लिए हम कौन सा शेड्यूल पढ़ते हैं, शेड्यूल पी पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें हम अलग अलग ऑप्शंस नहीं देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। ओके, तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए कौन सा शेड्यूल पढ़ते हैं आप लोग, शेड्यूल पी आता है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनिबिट एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, इनमें से कौन सी ड्रग है जो एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर नहीं है, नोट पूछा हुआ है। ओके, देखिए, रिटोनाविर, नेविरापिन, इफावीरेन, जो डिलावेडिन, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रिटोनाविर, ये प्रोटीएज इनहिबिटर में आता है। जैसे प्रेजेंट परसेंट ऑफ यूजिनोल, यूजिनोल किस में प्रेजेंट होता है, क्लोव में, है ना। प्रेजेंट परसेंट ऑफ यूजिनोल प्रेजेंट इन क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल में जो यूजिनोल प्रेजेंट होता है वो कितना परसेंट है, ठीक है, अप टू 85%, 10, 15%, तो ये होता है 85%। तो ये जो 70 to 90% तक यूजिनोल प्रेजेंट होता है क्लोव में, क्लोव का सोर्स होता है यूजीनिया कैरियोफाइलेसियस। क्लोव की फैमिली बताइए क्या होती है, क्लोव की फैमिली बताइए, मिर्टेसी फैमिली होती है क्लोव की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग यूज इन अल्जीमर डिजीज, अल्जीमर डिजीज जो है इसमें कौन सी ड्रग यूज करते हैं। देखिए, इसमें जो ड्रग होती है, रिवास्टिग्मिन, डोनीपेजिल, गैलेंटामिन और एक टैक्रिन, ठीक है। टैक्रिन जो है इसमें एक्रिडिन रिंग होती है, एक्रिडिन, ठीक है, एक्रिडिन रिंग होती है किसमें, टैक्रिन में, ये भी यूज करते हैं। बाकी ये रिवास्टिग्मिन, डोनीपेजिल, गैलेंटामिन चारों ही ड्रग यूज करते हैं अल्जीमर डिजीज में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरम फेनिकोल, क्लोरम फेनिकोल जो है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरम फेनिकोल, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ओके, अभी इसके बारे में क्या है ट्रू, देखिए ऑप्शंस में है, इट इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बिल्कुल सही बात है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, इट हैज़ टू कारल कार्बन, सो ए टोटल ऑफ फोर आइसोमर्स आर पॉसिबल, डीइरिथ्रो एलिरिथ्रो, D3O, L3O, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि इसके इसमें दो कारल कार्बन होते हैं, तो चार आइसोमर पॉसिबल होते हैं, ये चार आइसोमर्स दिए हुए हैं। अमंग दिस फोर आइसोमर D3O आइसोमर मोस्ट एक्टिव होता है, ठीक है, तो इसका जो मोस्ट एक्टिव आइसोमर है दैट इज D3O आइसोमर। ओके, इट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है, तो ये है 50S सब यूनिट से बाइंड होती है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन क्यूरी इज इक्वल टू, तो वन क्यूरी जो है किसके इक्वल होता है, वन क्यूरी होता है 3.7 × 10⁻¹⁰ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन ए, 3.7 × 10⁻¹⁰ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। जैसे इन स्टरलाइजेशन 100 क्लीन रूम एरिया मीन्स, ठीक है, तो स्टरलाइजेशन में ये 100 क्लीन रूम एरिया होता है, ये इसका जो है डेफिनेशन पूछा है, इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शंस में देख लीजिए, तो ये इसका ऑप्शन ए ही राइट है, पार्टिकल काउंट इन एयर इज नॉट मोर देन 100 per cubic foot ऑफ 0.5 माइक्रोन और लार्जर साइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जो है किसको बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग इन कॉस्मेटिक रूल 1945 गिव्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रिमाइसिस प्लांट एंड इक्विपमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसिस। तो HCM से हमने याद करी हुई है ट्रिक, M1
M2 और M3 के लिए ना, तो ये जो है आपको मेडिकल डिवाइसेस का पूछा है, तो M3 आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूड ड्रग पाउडर वाज हीटेड विथ फेरिक क्लोराइड यूज कर लिया, ध्यान से पढ़ना है, फेरिक क्लोराइड है इसमें, वाटर एंड कंसनट्रेटेड HCl फॉलोड बाय एक्सट्रैक्शन विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म लेयर वाज ट्रीटेड विद अमोनिया, अमोनिया लेयर टर्न पिंक। ये टेस्ट जो है किसको इंडिकेट करता है, किसकी प्रेजेंस को, तो ये आपका हो गया मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट, जो किसके लिए होता है, सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, बोन ट्रैगर टेस्ट जो होता है वो तो होता है आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए, और जो मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है दैट इज फॉर द सी ग्लाइकोसाइड्स। ओके, नेक्स्ट है, ड्रग कम अंडर क्लास ऑफ अजोल एंटीफंगल, एंटीफंगल के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो अजोल्स जो है उनमें कौन सी ड्रग आएंगी, देखिए फ्लूकोनाजोल, ऑप्शन ए। ओके, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने कराए हुए हैं, साथ साथ में क्लासिफिकेशन को भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि हम सारा करें, तो अभी तो सिर्फ क्या करेंगे, रिवीजन। देखिए, ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉसेस द ट्रांस प्लासेंटल बैरियर एंड प्रोवाइड मैटरनल प्रोटेक्शन, तो ये होती है आपकी कौन सी होती है, IgG होती है, जो प्लासेंटा को क्रॉस करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, के लिमिट टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट यूज होगा, ये क्या है, कोट्राइमोक्साजोल, जिसमें होता है सल्फा मिथोक्साजोल, सल्फा मिथोक्साजोल जो क्या होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, प्लस ट्राइमिथोप्रिम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसका कॉम्बिनेशन होता है कोट्राइमोक्साजोल, इन दोनों को कंबाइन करते हैं क्योंकि इनका टी हाफ सेम होता है, नियरली 10 आवर्स होता है। ओके, और ये जो कोट्राइमोक्साजोल पूछे किसको इनिबिट करेगा, तो ये डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है, देखिए डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ऑप्शन ए में ही दिया है। ओके, नेक्स्ट है, वाटर इंसोल्यूबल पार्ट है ट्रैगाकैंथ का पूछा कौन सा होता है, तो ये होता है वाटर इनसोल्यूबल और बेसोरिन हो जाएगा, और वाटर सोल्यूबल पार्ट कौन सा होता है बताइए, कमेंट में लिखिएगा आप लोग। ओके, 1 टेबल स्पून फुल में कितना ml होता है, 1 टेबल स्पून फुल इज इक्वल टू 15 ml, तो ये कन्वर्जन के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं कई बार। नेक्स्ट है, कैटालिटिक ट्रायड ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इज कंपोज द फॉलोइंग एमिनो एसिड, तो इसमें होता है सीरीन होता है, हिस्टिडीन होता है, ग्लूटामेट होता है, ठीक है, याद रखना है आपने सीरीन, हिस्टिडीन एंड ग्लूटामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम इंडियन हैम्प प्लांट, ठीक है, तो इससे जो रेजिन होता है दैट इज चरस, चरस क्या होता है, रेजिन होता है। नेक्स्ट है, जनरल टेस्ट पूछा है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, जनरल टेस्ट आपका कौन सा होता है, मोलिस टेस्ट होता है, किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है इसको डिटेक्ट करते हैं मोलिस टेस्ट से। ओके, तो आपका मोलिस टेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मोलिस टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफॉइड फीवर के लिए आपका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफाई होता है, और इसके लिए टेस्ट जो होता है विडाल टेस्ट पढ़ते हैं, टाइफॉइड के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट इज विडाल टेस्ट, है ना, डिजीज और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट का भी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देखना। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 50 बेड हॉस्पिटल, 50 बेड हॉस्पिटल के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है, देखिए इसके लिए आप एक बार टेबल देखिए, एक तरफ बेड स्ट्रेंथ ऑफ हॉस्पिटल लिखा हुआ है, एक तरफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड, तो 50 बेड हॉस्पिटल के लिए 3 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए 5 फार्मासिस्ट, 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट, 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 10 फार्मासिस्ट एंड 500 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 15 फार्मासिस्ट, इंपॉर्टेंट है ये, हम कंफ्यूज जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है, तो इसको एक बार ना लास्ट टाइम पे टेबल जो है रिवीजन जरूर करना। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए आपके 3 फार्मासिस्ट हो गए, जो आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है, 3 फार्मासिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्लिट अप ऑफ टाइम साइकिल ऑफ कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल जो होती है टोटल जो होता है इसका ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड होता है ना, तो इसमें जो है स्प्लिट अप करके दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड का, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड का। नेक्स्ट है, विच इज नॉट ए इरिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर, नहीं है, देखिए नियोस्टिक में जो है आपको रिवर्सिबल का एग्जाम्पल दिया है ना,
रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर में आपका फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन, डोनीपिजिल, गैलेंटामिन, टैक्रिन सारे आते हैं, तो आपका और बाकी तीनों डिफ्लोज, इकोथायोफेट और पैराथियोन ये आपके इरिवर्सिबल में आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटेरोसाइक्लिक रिंग पूछी है, विटामिन B1 थायमिन, B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। इसमें जो रिंग होती है वो आपकी नाम से याद रखिए, थायमिन के नाम इसका थायमिन है, तो थायाजोल रिंग हो जाएगी, थायाजोल एंड पिरिमिडीन। ओके नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन आयरन के लिमिट टेस्ट में, देखिए क्या यूज नहीं करते, सिट्रिक एसिड होता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है, अमोनिया भी होता है, लैक्टिक एसिड इज नॉट यूज इन द आयरन लिमिट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकली कैओलिन, कैओलिन होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, तो ये आंसर इज ऑप्शन बी, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। जैसे पोर साइज पूछा है, मेम्ब्रेन फिल्टर यूज फॉर स्टरलाइजेशन, तो ये होता है 0.22-0.45 माइक्रोमीटर। ओके नेक्स्ट, पार्ट ऑफ प्लांट यूज फॉर कल्चरिंग, तो इसको बोलते हैं एक्स प्लांट होता है, जो प्लांट का पार्ट यूज करते हैं कल्चर के लिए, दैट इज एक्स प्लांट। डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछा शुगर कोटेड टैबलेट्स का, ओके तो इसका भी टेबल आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 60 मिनट्स हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज वेट ऑफ कैप्सूल कंटेंट इज 350 mg देन अलाउड परसेंट परमिटेड वेट वेरिएशन, तो इसके लिए हो जाएगा आपका 7.5% हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा जो है, प्लाज्मोडेस्मेटा जो होते हैं, प्लाज्मोडेस्मा है ये प्रेजेंट होते हैं किस में, आपके नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रैकनोज नक्स वोमिका, जिसका सोर्स तो लोगैनिएसी फैमिली होती है, स्ट्रैकिन और ब्रूसिन इसके केमिकल कॉन्स्टेंट्स में आते हैं, और इसमें प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं और लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके नेक्स्ट है, नॉट ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में नहीं आता, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में कौन सी ड्रग आती है। ठीक है, अभी आपका उड़ीसा का ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हो तो उसमें भी दो क्वेश्चन इसी के ऊपर है, ऑर्गेनाइज्ड वाले के ऊपर। ठीक है, तो देखिए फैनल, सना, अकेशिया, एपिकैक, तो अकेशिया जो है ये ऑर्गेनाइज्ड में नहीं आएगा, बाकी फैनल है इसका फ्रूट यूज होता है, ठीक है सना, एपिकैक ये ऑर्गेनाइज्ड में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट द रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन, ठीक है तो रिएजेंट ऐड करते हैं कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट है, एन एक्सप्रेशन दैट इज ओकेजनली यूज इन कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन इज PPM, PPM का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, कौन सा ऑप्शन में, पार्ट्स पर मिलियन ऑप्शन ए में ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नोन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, मैंने अभी आपको बताया नक्स वोमिका में प्लाज्मोडेस्मेटा और लिग्निफाइड ट्राइकोम्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, एबिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, कोलोफोनी में जो होता है 90% एबिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लूंग टेस्ट होता है किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, तो ये होता है आइसोबार्बलोइन के लिए होता है, इसको कुप्रालोइन टेस्ट भी बोलते हैं, कुप्रालोइन टेस्ट भी बोलते हैं, आइसोबार्बलोइन टेस्ट भी बोलते हैं, क्लूंग टेस्ट भी बोलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग ऑप्शन कैरी द नेम ऑफ द प्लांट बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली, तो आपको रोंग फाइंड आउट करना है कौन सा गलत है। देखिए नटमक का सोर्स देन मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, फैमिली मिरिस्टिकेसी बिल्कुल सही है, क्लोव का यूजिना कैरोफाइलेसिस मिर्टेसी फैमिली, कुर्ची जो है आपका होलार ही ना एंटीडायसेंट्री का सोर्स है एपोसाइनेसी बिल्कुल सही है, रोवोल्फिया का दिया हुआ रैमनस पर्शियाना और रैमनेसी फैमिली, जो किसका रैमनस किसका कैस्केरा का होता है ना रैमनस पर्शियाना रैमनेसी फैमिली, तो रोवोल्फिया का तो रोवोल्फिया सरपेंटाइन ना होता है ना, तो आपका जो ऑप्शन डी ही आपको गलत दिया हुआ है, बाकी के तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, इन क्लूंग बार्बलोइन टेस्ट क्यूरेकाओ अलो शोज विच कलर, तो क्लूंग बार्बलोइन टेस्ट में क्यूरेकाओ अलो जो होती है वाइन रेड कलर शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इनमें से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा जिसमें कि अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जो ओलिक एसिड है इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बाकी लोरिक पामिटिक और जो ये स्टीयरिक एसिड दिया दीज आर सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके नेक्स्ट और क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फैटी एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अनसैचुरेशन हाईएस्ट टू लोवेस्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा वाले को पहले रखना है जिसमें सबसे ज़्यादा अनसैचुरेशन मतलब सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके अब देखिए आपके पास स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिनिक और लिनोलिक एसिड, ठीक है तो देखिए आपका जो है स्टीयरिक एसिड तो उसमें आ जाएगा जिसमें कि एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो स्टीयरिक एसिड सबसे लास्ट में आएगा, और देखिए अभी ऑप्शन देखेंगे ना तो सबसे लास्ट में आपको एक ही ऑप्शन में स्टीयरिक एसिड दिया हुआ है, तो आपका देखिए ऑप्शन सी ही बिल्कुल राइट हो गया।
कुछ ही नहीं करना पड़ा आपको, है ना। बाकी अभी देखिए, देखिए ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, और ठीक है उसके बाद होता है लिनोलिक एसिड, लिनो दोनों, हाँ ये लिनोलिक एसिड में दो डबल बॉन्ड होता है, लिनोलिनिक में तीन डबल बॉन्ड होता है, एराकिडोनिक एसिड जो होता है ना उसमें जो है चार डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो अब आप इनको अरेंज कर लीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाला आपका आ जाएगा ओलिक एसिड में एक है, तो तीन वाला आ जाएगा लिनोलिनिक एसिड, है ना, ऑप्शन फोर, ये आर पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका एस आएगा, उसके बाद आपका क्यू आएगा, उसके बाद आपका पी आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डी एस सी ओ हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, ओके। सी डी एस सी ओ की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनिन इज ए हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय, तो रेनिन जो होता है ये किडनी से सिक्रेट होता है, किडनी में जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है ना, जेजी सेल्स होते हैं किडनी की, वहाँ से रेनिन सिक्रेट होता है, ठीक है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होता है किडनी से, जो है रेनिन जो है एक हॉर्मोन होता है जो सिक्रेट होता है, ओके। नेक्स्ट है बेंजोडाइजेपिन एंटागनिस्ट पूछा है, तो आपका फ्लूमाजिनिल, फ्लूमाजिनिल क्या होता है, बेंजोडाइजेपिन एंटागनिस्ट होता है, आंसर इज ऑप्शन बी फ्लूमाजिनिल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सी डी एस सी ओ का फंक्शन कौन सा नहीं है, अप्रूवल ऑफ ए न्यू ड्रग इसका फंक्शन होता है, ग्रांटिंग परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग कॉस्मेटिक डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल डिवाइसेस, या कंट्रोल ऑफ प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशंस, जो है प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशंस, ये प्राइस को कंट्रोल नहीं करता, ओके। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग ए फार्मेसी आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग ए फार्मेसी ये आता है ऑप्शन सी, शेड्यूल एन में आएगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, तो इसमें जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है दैट इज पोटाशियम सल्फेट K2SO4। नेक्स्ट है सिनोनिम पूछा फेरस सल्फेट का, तो फेरस सल्फेट का सिनोनिम होता है क्या, आपका ग्रीन विट्रियोल होता है, ब्लू विट्रियोल होता है, कॉपर सल्फेट होता है, वाइट विट्रियोल क्या होता है, जिंक सल्फेट। नेक्स्ट है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफॉइड फीवर के लिए, हमने देख ही लिया था अभी, है ना, साल्मोनेला टाइफाइड जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर, तो स्टोरेज टेम्परेचर इंसुलिन के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा 2 to 8 degrees Celsius। विटामिन इसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम के लिए विटामिन जो है आपका थायमिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज डिराइव फ्रॉम लाइसिन, एल से लाइसिन, एल से लोबेलिन, जो लोबेलिया में प्रेजेंट होगा, ओके। नेक्स्ट लिस्टेड बिलो आर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर आइडेंटिफाई सम ग्रुप ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए आपसे पूछा हुआ है, तो प्यूरिन के लिए आपका होता है म्यूरिक्साइड टेस्ट, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है किसके लिए, प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए होता है। शिनोडा टेस्ट किसके लिए होता है, फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है। देखिए ये जो कोग्नोसी के जो टेस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिनोडा टेस्ट आपका फ्लेवोनॉइड्स के लिए, विटाली मोरिन रिएक्शन जो है ये ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए होता है, किलर किलियानी टेस्ट आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड डिजिटलाइज जो आता है ना उसके लिए स्पेशली किलर किलियानी टेस्ट आता है, ओके। तो ये मैंने इसका वीडियो बनाया भी, और सारे सारे टेस्ट आपको एक ही जगह प्रोवाइड कराया हुआ, एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं आप लोग कोग्नोसी की प्लेलिस्ट से। एट्रोपिन बायोसिंथेसिस इन्वॉल्व ए पेयर ऑफ प्रीकर्सर आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, तो एट्रोपिन जो है एट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है, एट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए कौन सा अमीनो एसिड है, ऑर्निथिन अमीनो एसिड, है ना। तो ऑप्शंस में देख लीजिए, ऑप्शन जो है ए में ही आपको ऑर्निथिन फिनाइल एलेनिन दिया है। नेक्स्ट पाइरुवेट इज नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम, तो ये जो है थिवेटिया से ऑब्टेन होता है पाइरुवेट, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन मेंटेनेंस ऑफ पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर के इनिशिएशन के लिए जरूरत नहीं होती, किसकी नहीं होती, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट एट्राक्यूरियम बी साइलेंट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है, मेटाबोलाइज होता है कौन से रिएक्शन से, तो इसके लिए होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है एट्राक्यूरियम के लिए, ठीक है। तो होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन अगर पूछे किसके लिए, तो एट्राक्यूरियम के लिए होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो यूज़ करते हैं किसमें, सनस्क्रीन्स में, तो ये प्रोडक्ट एज ए टॉपिकल प्रोटेक्टिव होता है ये, है ना। द टॉपिकल प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का राइजिंग ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसकी किस वजह से होता है इसका, ये होता है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उस वजह से होता है इसका, इसको सनस्क्रीन में यूज़ करते हैं, ओके।
नेक्स्ट है कंटेनर जो यूज़ करते हैं एरोसोल्स के लिए शुड विदस्टैंड ए प्रेशर ऑफ, तो ये होता है 140 to 180 PSIG at 130 degree Fahrenheit। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो होता है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, RP रिटेल प्राइस इज इक्वल टू MC+CC+PM+PC+MultiPlied 1+MAPE/100+ED। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SOS मीन्स, तो SOS का मतलब होता है साइओप्सिस, तो ये होता है स्टेक व्हेन नेसेसरी, है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। लैटिन टर्म्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैटिन टर्म्स के वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, एक में तो लैटिन टर्म्स के सिर्फ MCQs है और एक में सारे लैटिन टर्म्स हैं। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ सल्फा सालाजीन जो है कन्वर्ट होते हैं किसमें, सल्फा पायरिडिन एंड 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड में, और ये जो कन्वर्जन है ये होता है कोलोन में होता है, तो ये जो प्रोसेस होती है वो होती है एजो रिडक्शन और एंजाइम होता है एजो रिडक्टेज। ओके, सारी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट है नेल पॉलिश में जो पॉलीमर होता है एज अ फिल फॉर्मर यूज होता है दैट इज नाइट्रोसेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्टर काउंटर इज यूज्ड इन डिटरमिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, पार्टिकल वॉल्यूम एंड पार्टिकल सरफेस एरिया, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज विदड्रॉन फ्रॉम मार्केट ड्यू टू टॉर्स एट डी पॉइंट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी उड़ीसा के ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी आया है, है ना, तो ये जो ड्रग विड्रॉ कर ली गई है दैट इज ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा, एस्टिमिजोल है, टर्फिनाडीन है और एक इबास्टीन भी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब, तो इसे डिसोल्यूशन रेट डिस्क्राइब करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वॉर्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशन एक्सप्लेन इन IP एंड USP, तो वॉर्म टेम्परेचर के लिए जो स्टोरेज कंडीशन है दैट इज 30 degree Celsius to 40 degree Celsius। ठीक है, कोल्ड के लिए, कूल के लिए सारे टेम्परेचर आपने याद रखने हैं, कोल्ड टेम्परेचर तो 2 to 8 degree Celsius हो जाएगा और जो कूल है वो आपका 8 to 25 degree Celsius हो जाएगा। रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर तो वर्किंग एरिया हो जाएगा। वॉर्म के टेम्परेचर 30 to 40 degree Celsius जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ये वॉर्म टेम्परेचर है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फेज वन एंड फेज टू रिएक्शंस आर मोस्ट कॉमन ड्रग बाय ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। ठीक है, फेज वन में आपकी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन आती है, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन होती है वो आपकी होती है ऑक्सीडेशन, तो आपका इसी से आंसर निकल के आ गया ऑप्शन ए में। देखिए ऑक्सीडेशन एंड ग्लूक्यूरोनिडेशन, फेज टू की मोस्ट कॉमन हो जाएगी ग्लूक्यूरोनिडेशन और फेज वन की ऑक्सीडेशन। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है, ये होता है आपके डिजोक्सिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थेरेप्यूटिक क्लास हैज बीन प्रूव्ड क्लिनिकली एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर एंड हैज शोन डिक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन, इंप्रूव्ड सिम्टम्स एंड डिलेड डिजीज प्रोग्रेशन। ओके, तो ये आपके होते हैं ACE इनहिबिटर, जिसमें आपकी प्रिल वाली ड्रग आती है जैसे कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज अ न्यू ड्रग टारगेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ Type 2 Diabetes Mellitus के लिए जो न्यू ड्रग टारगेट है वो SGLT2 होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 2 SGLT2, तो इसको इनिबिट करते हैं, इनिबिटर में ग्लीफ्लोजिन वाली ड्रग आती है जैसे डैपाग्लीफ्लोजिन। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन कैरीज हाइएस्ट रिलेटिव रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद सिंगल एक्सपोजर, तो हाइएस्ट रिस्क है किससे, ऑप्शन ए ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर जो डिप्रेशन में रोल प्ले करते हैं, वो आपका होता है डोपामिन, नोरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन। नेक्स्ट है 55-year-old मैन इज अंडर डोट्स ट्रीटमेंट फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस फॉर द लास्ट 4 months। ओके, अब उसको सिम्टम्स डेवलप हो गए पेरिफेरल न्यूराइटिस के। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट एडिशन टू हिज थेरेपी टू मैनेज पेरिफेरल न्यूराइटिस, मतलब कि डोट थेरेपी दे रहे हैं, मतलब कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है तो उसको ये जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है ये किस की क्यों हो जाती है, जब आइसोनियाज़िड किसी पेशेंट्स को देते हैं तो उनमें क्या होता है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, तो इसको मतलब कि सही करने के लिए तो क्या करेंगे विटामिन B6 का एडमिनिस्टर करेंगे, विटामिन B6 को क्या बोलते हैं पायरिडोक्सिन बोलते हैं, ऑप्शन सी। ओके, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक, का प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स।
ए 48 ईयर ओल्ड वुमेन इज हैविंग द सिम्टम्स ऑफ वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, कॉन्स्टिपेशन, ब्रैडिकार्डिया, पफी फेस, लिथार्जी एंड ड्राई स्किन। तो ये किसके सिम्टम्स है ये बताने हैं, तो ये है आपके जो है इस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स लिखे हुए हैं। तो इसको अभी चेक करना है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं या इसके, ठीक है। तो अभी इसमें एक बार आप लोग चेक करके देखना इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट अ लिगेंड गेटेड आयन चैनल। तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल कौन सा नहीं है? देखिए, निकोटिनिक रिसेप्टर लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में आते हैं। 5-HT3 भी लिगेंड गेटेड होता है, गाबा ए भी लिगेंड गेटेड होता है। एस टू रिसेप्टर्स होते हैं, ये लिगेंड गेटेड नहीं होते, जी प्रोटीन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग को साइड इफेक्ट है, कौन कौन सा साइड इफेक्ट है? ड्राइनेस ऑफ माउथ, टैकीकार्डिया, यूरिन रिटेंशन है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्लूकोमा, ड्राउजीनेस एंड इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निशन। ठीक है, मतलब ड्राइनेस ऑफ माउथ, माउथ हो रहा है, मतलब सिक्रेशन सारे कम हो रहे हैं, मतलब एंटीकोलिनर्जिक एक्शन दिख रहा है ना आपको, टैकीकार्डिया हो रहा है, यूरिन रिटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो आपके ये सारे के सारे एक्शन हो गए कौन से? एंटीकोलिनर्जिक। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर इन इन्फ्लेमेशन, आर द टारगेट फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आप लोग पढ़ते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, टीएनएफ अल्फा इनिबिटर और इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट पढ़ते हैं ना। टीएनएफ अल्फा इनिबिटर में कौन कौन सी ड्रग आती है? इन्फ्लिक्सिमैब, एडालिमुमैब और इटानरसेप्ट, है ना। और इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में एनाकिनरा आप लोग पढ़ते हैं, एनाकिनरा। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टीएनएफ अल्फा इनिबिटर वाले ड्रग बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान रखना है आपने। तीन ड्रग के नाम कौन कौन से हैं बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये बताना है। देखिए, दे हैव एन एफिनिटी फॉर द एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर, बिल्कुल सही है। दे हैव नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, वे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दे कॉज पैलर राइट वर्ड शिफ्ट टू द कंट्रोल डोज रिस्पॉन्स कर, वे भी बिल्कुल सही है। मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ एगोनिस्ट कैन नॉट बी अचीव इन द प्रेजेंस बाय इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट, तो ये गलत लिखी हुई है बात, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक डिफर फ्रॉम द टिपिकल एंटीसाइकोटिक इन वेरियस वेज, डिफाइन दैम ए टिपिकल। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? तो ये देखिए, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कोज नहीं कराते, आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन ऑफ बोथ विन्यूल्स एंड आर्टरीज, आर्टरीज और वेन्स दोनों को ही रिलैक्स करा रहे हैं, तो ये आपका सोडियम नाइट्रोपेरुक्साइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट को देखिए, तो ये आर्टरीज को जो डायलेट कराते हैं, आर्टरी डायलेटर में आपका हाइड्रोलाजिन मिनोक्सिडिल डाइऑक्साइड आता है, और आर्टरी प्रेस दोनों को, वेन्स दोनों को डायलेट कराएंगे सोडियम नाइट्रोपेरुक्साइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी वन डिटेक्टेड इन यूरिन, तो ये HCG होता है, ह्यूमन कोरोनरी गोनाडोट्रोपिन को डिटेक्ट करते हैं ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्रेनालिन इज यूज्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के साथ में एड्रेनालिन क्यों यूज करते हैं? ये क्या कहता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक को प्रोलोंग करता है और सिस्टमिक टॉक्सिसिटी को घटाता है, ये कम कराता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोलोंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है, ड्रग विच इज नोन टू कोज हर्सुटिज्म, देखिए कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट हर्सुटिज्म होता है, तो ये आपकी फेनिटोइन जो होती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में पड़ते हैं ना, फेनिटोइन, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होते हैं, गम हाइपरट्रोफी और ये हर्सुटिज्म को कराती है, फिटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम आती है इसमें, है ना माइक, तो ये सब आप ध्यान रखना, तो ये आपका हो जाएगा फेनिटोइन। नेक्स्ट है, लोडिंग डोज ऑफ ड्रग इज बेस्ड ऑन द, देखिए ये वाला क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड, लोडिंग डोज किस पे बेस्ड है, तो इसको तो आप याद ही कर लीजिए, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट है, वोलिन गट इज ऑप्टेन फ्रॉम वोलिन गट, जो तो कैट गट को ही बोलते हैं वोलिन गट, तो ये इंटेस्टिन ऑफ शीप, शीप के इंटेस्टिन से ऑप्टेन होता है। नेक्स्ट है, राइबोफ्लेविन केमिकली, तो राइबोफ्लेविन जो होता है इसमें आइसो एलोक्साजीन रिंग प्रेजेंट होते हैं, तो ये होता है 6,7-डाइमिथाइल आइसो एलोक्साजीन। ओके, नेक्स्ट, बरोज सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? एल्यूमिनियम एसिटेट सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इज बरोज सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, अमीनो एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो मतलब क्या ऐसा अमीनो एसिड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करता है, इसमें कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये मतलब कि अमीनो एसिड होता है, ठीक है, इसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, तो ये किसकी बात हो रही है? ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इनवर्ट शुगर इज सुक्रोज, आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट लैमोट्रिगिन। लैमोट्रिगिन का जो एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट होता है ऑप्शन बी ब्लॉक के जो फेनमडीए रिसेप्टर। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ओपियोड रिसेप्टर में आप पढ़ते हैं कौन कौन से, कापा आता है, म्यू आता है, डेल्टा आता है, गामा नहीं आता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग पजेस एंटी प्लेटलेट। देखिए इरिथ्रोपोइटिन, यूरोक्वाइनिस, डेस्मोप्रेसिन या क्लोपिडोग्रेल इज एंटी प्लेटलेट। ओके मिलोक्सिकैम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एनसेड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया हुआ है उसमें से बताइए मिलोक्सिकैम किस में आती है। देखिए एक तो ओक्सिकैम डेरिवेटिव आता है जिसमें पिरोक्सिकैम और टिनोक्सिकैम आती है। ओके लेकिन ये मिलोक्सिकैम भी है तो इस टाइप की, लेकिन ये आती है किसमें, प्रेफरेंशियल कोक्स टू इनिबिटर में आती है आपकी मिलोक्सिकैम। ओके ऑप्शन ए आता है आपका। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑस्मोटिक डायुरेटिक। देखिए अंडरगो लिमिटेड रीअब्जॉर्प्शन, वद रिनल ट्यूब्यूल रिलेटिवली इनर्ट होते हैं, इनिबिट कार्बोनिक अनहाइड्रेज को इनिबिट कब से करने लगे, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में तो आपका एसिटोज़ोलामाइड आ जाएगा। ओके ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट डी ट्यूबिक्यूरिन प्रोड्यूस स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन बाय इनिबिटिंग, तो ये किसको इनिबिट करता है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके नेक्स्ट फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट एंटीबायोटिक और इसके सोर्स, तो करेक्ट बताना है। देखिए ग्रीसियोफल्विन बैक्टीरिया से तो नहीं मिलती है ना, फंजाई से ऑप्टेन होती है, पोलिन का फंजाई दिया, कोलेस्टिन का फंजाई, तो आपका ये सही इसमें दिया हुआ है मैक्रोलाइट एक्टिनोमाइसिटी से ऑप्टेन होता है, दिस इज राइट। ओके एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, तो ये आपकी मिसब्रांडेड ड्रग हो जाएगी, ऑप्शन डी। ओके तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देंगे, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट इज, ऑप्शन देखिए पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, पोटेशियम मर्करी आयोडाइड या पोटेशियम पिक्रेट। ओके तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।